है, हम आपको ले चलते हैं सीधे संसद भवन जहां पर राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई की एक बार फिर से शुरुआत हुई है। हंगामा हो रहा है, सुबह भी हंगामा हुआ था और उसके बाद राज्यसभा और लोकसभा दोनों को स्थगित कर दिया गया था, 12 बजे तक के लिए स्थगित किया गया था और अब एक बार फिर से 12 बजे दोनों सदन की कार्रवाई शुरू हुई है। लेकिन दोनों सदनों में हंगामा चल रहा है, हालांकि मंत्रियों की तरफ से पेपर लेकर काम चल रहा है लेकिन लगातार हंगामे की आवाज़ भी आ रही है। रामेश्वर तेली जी, सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज एक बार पंचकर्म शुरू किया है, विशेष रूप से 12 ये सारी चीजें हैं जिनके माध्यम से हम जो डिजाइनों को आगे बढ़ा रहे हैं। सेकंड सप्लीमेंट्री मिस्टर कुमार, ओवर इन द कंट्री दिस खादी वर्कर्स गेटिंग मिनिमम वेजेस, विल यू इंस्ट्रक्ट द स्टेट्स टू इंश्योर मिनिमम वेजेस टू खादी वर्कर्स। मिस्टर मिनिस्टर, लोकसभा और राज्यसभा में हंगामे की आवाजें आ रही हैं, कार्रवाई हंगामे के बीच ही चल रही है। एमएमटीए के माध्यम से उन्हें सहायता अनुरोध दिया जाता है, अनुदान के रूप में दिया जाता है, लागत का 30% नगद लाभ मिल रहा है, बोले एमपी लाभ। तो लोकसभा और राज्यसभा संसद के दोनों सदनों में इस वक्त हंगामा हो रहा है। 12 बजे तक के लिए, सुबह 11 बजे जब हाउस बैठा था तो हंगामे के चलते स्थगित हो गया था, लेकिन उसके बाद अभी 12 बजे जब हाउस फिर से बैठा दोनों सदनों में ज़बरदस्त हंगामा चल रहा है। हालांकि हंगामे के बीच ही लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई भी चल रही है। इस बड़ी खबर पर हमारी नज़र रहेगी और जो भी अपडेट होगा सबसे पहले आप एबीपी न्यूज़ पर देखेंगे। सीधे संसद भवन ले चलते हैं जहाँ राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई एक बार फिर से शुरू हुई है। 12 बजे कार्रवाई शुरू हुई लेकिन दोनों सदनों में हंगामे की आवाज आ रही है, जबरदस्त हंगामा कर रहा है। विपक्ष संजय राउत की गिरफ्तारी को लेकर लगातार शिवसेना और विपक्ष हमलावर है कि ईडी के जरिए विपक्ष की आवाज़ दबाने की कोशिश हो रही है। लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है और राज्यसभा की कार्रवाई अभी भी चल रही है। Vending Act 2014. There are provisions to constitute a committee for that and to identify the person, to identify the vendor and issue them certificate. My question to Honorable Minister is, what is the latest position? Whether they have constituted any committee? Any there is any time frame by what time? तो संसद में जबरदस्त हंगामा हो रहा है, संसद के दोनों सदनों में इस वक्त हंगामा चल रहा था। लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इससे पहले सुबह भी जब संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई शुरू हुई तो कुछ देर बाद हंगामा के चलते 12 बजे तक के लिए स्थगित हो चुका था। अब दूसरी बार लोकसभा को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित किया गया है। रविकांत हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो संसद भवन से सीधे इस खबर पर ताज़ा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। रविकांत, हंगामा कौन कौन से दल और किस किस मुद्दे पे कर रहे हैं? शिवसेना का तो सबको पता है। देखिए, खासतौर से इस समय विकास कांग्रेस जो है वो अड़ी हुई है कि जो 4 सांसदों का निलंबन लोकसभा में हुआ है उनको वापस लाएं, क्योंकि अगर चर्चा होनी है महंगाई पर
तो चुने हुए प्रतिनिधि को बाहर करके चर्चा से नहीं हो सकता है, क्योंकि राज्यसभा में भी निलंबित हुए थे सांसद, उनका जो निलंबन अपने आप खत्म हो चुका है क्योंकि रिमेनिंग वीक के लिए था, लेकिन इन जो चार सांसद हैं उनको पूरे सत्र के लिए निलंबित किया गया है। तो कांग्रेस का कहना है कि इनका निलंबन खत्म किया जाए और फिर चर्चा को शुरू किया जाए, इसी लेकर के लोकसभा में गतिरोध बना हुआ है। बिल्कुल, रविकांत बता रहे हैं कि कांग्रेस पहले चाहती है कि उनके निलंबित चार सांसदों की बहाली हो, उनको चर्चा में हिस्सा लेने दिया जाए। वहीं लोकसभा की कार्रवाई के दौरान ही देखिए, संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कहा है कि सदन में आज महंगाई पर चर्चा है और विपक्ष को उसमें शामिल होना चाहिए, जबकि कांग्रेस कह रही है कि पहले आप निलंबित सदस्यों को बहाल कीजिए, उसके बाद चर्चा में हिस्सा लेंगे। सदन में इसी बात को लेकर जबरदस्त हंगामा हो रहा है। और इसी बीच लोकसभा में कार्रवाई के दौरान तेलंगाना में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना को लेकर एक बिल भी पेश कर दिया है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2022 को लोकसभा में इस वक्त सरकार ने इंट्रोड्यूस किया है। रविकांत हमारे सहयोगी लगातार संसद भवन से, ग्राउंड जीरो से अपडेट के साथ जुड़े हुए हैं। एक और बिल संसद में इंट्रोड्यूस कर दिया है रविकांत, तेलंगाना में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना से जुड़ा हुआ, हंगामे के बीच हुआ। देखिए, निश्चित रूप से जो सरकार है वो इस पूरे हंगामे के बीच में भी जो बिलों का काम है उसको रोकना नहीं चाहती है। पूरी कोशिश सरकार की ये है कि जो बिल है वो पास होते रहे, क्योंकि अगर ये हंगामा चलता रहा तो सरकार ने जो बिल तय किए हैं निश्चित संख्या में वो नहीं पूरे हो पाएंगे। हालांकि कांग्रेस अपनी ओर से लगातार विरोध कर रही है, उधर राज्यसभा में भी ईडी को लेकर के और महंगाई को लेकर के विरोध लगातार चल रहा है, लेकिन इसी बीच सरकार की पूरी कोशिश है कि जो बिल है वो इस हंगामे के बीच में भी पास होते रहे। सरकार की कोशिश है कि हंगामे के बीच में भी बिल पास होते रहे। पिछले दो हफ्ते से संसद के सत्र के दौरान लगातार जो है हंगामे के चलते सत्र की कार्रवाई बहुत सीमित दिन ही चल पाई। इसकी वजह से हंगामे के चलते दोनों सदनों से तकरीबन 25 सांसदों को निलंबित भी किया गया, कुछ सांसदों की तो बहाली हो गई है, लेकिन कांग्रेस के चार सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। और अब कांग्रेस मांग कर रही है कि पहले सांसदों की बहाली हो, उसके बाद फिर संसद की कार्रवाई में वो हिस्सा ले पाएंगे। और यही वजह है कि शिवसेना जहां पर संजय राउत की गिरफ्तारी को लेकर हंगामा कर रही है, तो कांग्रेस अपने निलंबित सांसदों की बहाली को लेकर हंगामा कर रही है। लोकसभा की कार्रवाई आज दूसरी बार दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित हुई है, जबकि राज्यसभा की कार्रवाई हंगामे के साथ ही चल रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।